हेलो फ्रेंड्स, मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रेया शर्मा। ये बॉलीवुड की खबरें देखते हैं फटाफट। कान से सोनम का फर्स्ट लुक। सोनम कपूर पोलका डॉट्स में नजर आई हैं। सोनम बहुत ही सिंपल तरीके से नजर आई, लेकिन वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनके इस लुक को भी काफी पसंद किया जा रहा है। ऐश्वर्या के गाउन पर आराध्या के पोज। कांस में आराध्या काफी ट्रेंडी और फैशनेबल आउटफिट में नजर आ रही हैं। आराध्या अपनी मम्मी के कांस रेड कार्पेट में पहले दिन पहने हुए बटरफ्लाई गाउन पर लेटी हुई नजर आ रही हैं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए तैयार कटरीना। कैटरीना कैफ जल्द आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में नजर आएंगी। इस फिल्म में उनका किरदार एक डांसर का होगा। दबंग 3 की शूटिंग हुई पोस्टपोन। फिल्म के पहले शेड्यूल को आगे बढ़ा दिया गया है। प्रभु देवा की डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग 14 सितंबर से शुरू होगी। एवेंजर्स ने खांस को पछाड़ा। फिल्म ने कमाई के मामले में थ्री इडियट्स, हैप्पी न्यू ईयर, गोलमाल अगेन और प्रेम रतन धन पायो को पछाड़ दिया है। भावेश जोशी का गाना चुम्मे में च्यवनप्राश। मोनोकनी में प्रियंका चोपड़ा। कैलिफोर्निया की बर्बरी हिल्स में समर ब्रेक का लुत्फ उठा रही प्रियंका ने इंस्टा पर चटक लाल रंग की मोनोकनी पहने आकर्षक पोज देते हुए एक तस्वीर पोस्ट की है। स्टार प्लस पर सबसे स्मार्ट कौन। रवि दुबे ने कहा, ये शो उन लोगों की क्षमता का जश्न मनाने वाला है जो अपनी स्मार्टनेस के साथ पैसा कमा सकते हैं, और यही सबसे स्मार्ट कौन कर रहा है। राजकुमार करेंगे 5 शादियां। राजकुमार राव की इस नई फिल्म का नाम 5 वेडिंग्स है। इस फिल्म में राजकुमार राव के साथ नरगिस फाखरी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। दिव्यांगों का फैशन शो। दिव्यांगजनों की प्रतिभा से आमजन को रूबरू कराने के लिए दिव्यांग फैशन एंड टैलेंट शो का आयोजन 20 मई को जयपुर में किया जाएगा। नुपुर करेंगे बॉलीवुड में डेब्यू। कृति सैनन की बहन नूपुर बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। नूपुर बॉलीवुड में आने के लिए ट्रेनिंग कर रही है। उन्होंने कई कोर्स में एडमिशन ले लिया है। मिथुन दा हुए हॉस्पिटलाइज। मिथुन की पीठ में दर्द है, इसलिए वो स्क्रीन से दूर है। हालांकि ठीक होकर वो वापस काम पर लौट आए थे, लेकिन उनका दर्द एक बार फिर शुरू हो गया है। वो दिल्ली में अपना इलाज करवा रहे हैं। दबंग 3 में दिखेंगे जगपति बाबू। सलमान खान की आने वाली फिल्म दबंग 3 में बतौर विलन तेलुगु स्टार जगपति बाबू को फाइनल कर लिया गया है। वो दबंग 3 से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। अमिताभ की फिल्म देखना चाहते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यालय से फिल्म 102 नॉट आउट की स्पेशल स्क्रीनिंग रखने की मांग की गई है। निर्देशक उमेश शुक्ला ने कहा है कि ये किसी भी फिल्म मेकर के लिए बड़े गर्व की बात है। पंजाबी फिल्म में दिखेंगे पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी फिल्म हरजीता से पंजाबी फिल्म में कदम रख रहे हैं। ये फिल्म भारतीय हॉकी खिलाड़ी हरजीत सिंह के जीवन पर आधारित है। बैरी गंगना 2 में रवि किशन। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डेब्यू करेंगे मनीष। सोनाक्षी सिन्हा डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और अनीता डोंगरे के साथ जल्द ही लॉन्च होने जा रही वेब सीरीज इंटर्न डायरीज में नजर आएंगी। शिल्पा के साथ सुनील का रेन डांस। सुनील ग्रोवर और शिल्पा शिंदे का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों ही हम तुम के टाइटल सॉन्ग सांसों को सांसों में पर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। नचिकेत बनाएंगे हबड्डी। अवार्ड विनिंग डायरेक्टर नचिकेत सामंत की अपकमिंग मराठी फिल्म हबड्डी है। इस फिल्म में एक स्पेशल अंडरवाटर सीक्वेंस भी शूट किया गया है। हनीमून के लिए दुबई गए हिमेश। हिमेश रेशमिया ने सोनिया कपूर से शादी कर ली है। अब हिमेश अपनी पत्नी सोनिया के साथ हनीमून के लिए दुबई रवाना हुए हैं। हल्फा मचा के गए बिना कट के पास। फिल्म हल्फा मचा के गए को सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के पास कर दिया। फिल्म को पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है। सेलिब्रिटी क्रिकेट का ग्रैंड फिनाले। सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच के ग्रैंड फिनाले में टीवी और बॉलीवुड के तमाम सितारे पहुंचे, जिसमें सोहेल खान, अरबाज खान, जय भानुशाली, करण वाही शामिल हुए। इंडो नेपाल फिल्म फोरम के 2 साल। नेपाल के प्रधानमंत्री से इंडो नेपाल फिल्म और सांस्कृतिक फोरम के अध्यक्ष संदीप मारवा ने मुलाकात की। 2 साल पहले ये फोरम बनाई गई थी।
मायापुरी न्यूज रील में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय, देखते रहिए मायापुरी कट।